हाय, वेलकम बैक। मैं हूँ अमृताम, और जो भी जॉम्बी फैंस हैं उनके लिए मैं एक जॉम्बी मूवी लेके आई हूँ, वायरनवुड, जो कि ऑस्ट्रेलियन जॉम्बी मूवी है, 2014 में रिलीज हुई। सो कहानी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं, बेरी। वो अपनी वाइफ एनी और अपनी बेटी मेगन के साथ रह रहा था। इसी दरमियान हम बैकग्राउंड में देखते हैं काफी सारे मेट्रोइड्स धरती पे गिर रहे थे। इसी दरमियान हम बेरी की बहन ब्रूक को देखते हैं, जो कि एक दूसरे शहर में थी। ब्रूक एक मेकअप आर्टिस्ट थी, जो अपने मॉडल को तैयार कर रही थी, और उसकी असिस्टेंट भी थी वहां पे, जो मॉडल के फोटोग्राफ ले रही थी। लेकिन सडनली जो मॉडल रहती है वो काफी अजीब तरीके से बिहेव करने लगती है। अचानक से वो जॉम्बी बन जाती है, और देखते ही देखते उस फोटोग्राफर पे वो खून की उल्टी कर देती है। ब्रूक जब उसे बचाने के लिए जाती है, तब वो मॉडल उसके ऊपर भी हमला करने आती है। अब ब्रूक कैसे तैसे खुद की जान बचाते हुए स्टूडियो के ऊपर चढ़ जाती है, और तभी नीचे वो जॉम्बी मॉडल उस फोटोग्राफर के ऊपर हमला करके उसे बहुत ही बुरी तरीके से खाती है। अब अपना पहला डिनर खत्म होने के बाद वो जॉम्बी ब्रूक को पकड़ने के लिए आती है ऊपर, लेकिन तभी ब्रूक की नजर एक चैन पे जाती है, जिसके दूसरी तरफ बहुत ही बड़ा हुक था। ब्रूक उस हुक को पकड़ के उस जॉम्बी को मारती है, जिसके कारण वो ऊपर लटकने लगती है और देखते ही देखते मर जाती है। जैसे ही ब्रूक नीचे उतरती है, तभी अचानक से उसकी जो दोस्त थी फोटोग्राफर, वो भी जॉम्बी बन जाती है, हमला करने आती है, और वो सीधा अपने जॉम्बी दोस्त को मार देती है। और ब्रूक अपने भाई बेरी को कॉल करती है, और जो भी चीजें हुई थी वो सारी साफ साफ बताती है। कहती है कि यहाँ शहर में बहुत ही खतरा है, प्लीज मुझे यहाँ पे आके लेके जाओ। अब इन दोनों की बातचीत हो ही रही थी, तभी छोटी मेगन वहाँ आती है और अपने माता पिता को बताती है कि कोई इंसान अपने किचन में घुसा हुआ है। बैरी जब किचन में जाता है, तब वो जॉम्बी आदमी इनकी फ्रिज से मीट खा रहा था। अभी वो आदमी जो कि जॉम्बी था, वो सीधा बैरी पे हमला करने आता है, लेकिन तभी एनी वहाँ पे आती है कुल्हाड़ी लेके और उस जॉम्बी को मारती है। वो जॉम्बी जख्मी हो जाता है, और तभी बैरी उठता है और सीधा उस आदमी का सर काट देता है। अब तक बैरी भी समझ गया था कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए वो खुद अपनी बेटी और पत्नी को गैस मास्क लगाने के लिए कहता है, और तीनों भी जरूरी सामान हथियार लेके घर के बाहर पड़ते हैं। घर के बाहर तो काफी सारे ज़ॉम्बी थे, कैसे तैसे उनको मारते हुए वो गाड़ी में बैठता है और अपने बहन को बचाने के लिए निकल पड़ता है। तो यहाँ पे दूसरी जगह पे ब्रूक अभी भी अपने स्टूडियो में ही थी छुपी हुई। आर्मी को देखते हुए वो उनकी मदद के लिए पुकारती है, और सबसे पहले वो ब्रूक का ब्लड सैंपल लेते हैं। यहाँ पे ब्रूक को लग रहा था कि कोई कैंप में ये लोग उसे लेके जाएंगे, लेकिन ये लोग ऑफिशियल आर्मी के लोग नहीं थे। वे लोग उसे बेहोश करते हैं और वहां से उसे पकड़ के कहीं लेके जाते हैं। यहाँ पे बेरी का सफर चल रहा था, तभी अचानक से मेगन की हालत खराब होने लगती है, लेकिन देखते ही देखते वो जॉम्बी बन जाती है। लेकिन अचानक से एनी को भी खून की उल्टियां होने लगती हैं, लेकिन एनी उसे बताती है कि उन्हें आगे का सफर जारी रखना चाहिए, ऐसे रुकना नहीं चाहिए बीच में। गाड़ी में बैठते हुए आगे निकल जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही आगे जाने के बाद एनी की हालत और भी खराब होने लगती है। वो ब्रूक को कहती है कि मेरे पास और समय नहीं है, शायद मैं इन्फेक्ट हो गई हूँ, तुम्हें मुझे मार डालना चाहिए। अब ये सुनते ही बेरी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है, और वो आखिरी में उसे गले लगाता है। लेकिन जैसे ही उसे देखता है, वो पूरी तरीके से जॉम्बी बन गई थी, बेरी के ऊपर हमला करने लगती है। अब ना चाहते हुए भी बेरी उसे मार डालता है और काफी इमोशनल हो जाता है। उसके बाद वो मेगन को भी मार डालता है। इस हादसे के कारण बेरी काफी ज्यादा शॉक था कि उसके हाथों ही उसकी पत्नी और बच्ची की हत्या हुई है। वो खुद को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन बंदूक की गोलियां खत्म हुई थी। यहाँ दूसरी जगह पे हम रुक को देखते हैं, जहाँ पे एक रूम में वो बंद होती है, जहाँ पे आसपास काफी सारे पेशेंट्स को बांध के रखा हुआ था। और तभी वहाँ पे एक आदमी आता है, जो कि पूरा साइको इंसान रहता है, क्योंकि वो सभी पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वो एक इन्फेक्टेड इंसान का ब्लड लेता है और ब्रूक के शरीर में उसे इंजेक्ट करता है, जिसके कारण ब्रूक बेहोश हो जाती है। यहाँ पे दूसरी जगह बेरी जब सदमे में बैठा हुआ था, तभी अचानक से पीछे से एक गाड़ी आती है, जिसमें एक आदमी बंदूक लेके बेरी की तरफ बढ़ता है। जब वो देखता है कि बेरी एक नॉर्मल इंसान है, तब वो बहुत ही खुश हो जाता है इंसान को देख के कि ये ज़ॉम्बी नहीं है। लेकिन तभी बेरी उसकी बंदूक लेके खुद को ही मारने की कोशिश करता है। वो आदमी उसे समझाने लगता है कि ऐसे मत करो, खुद को क्यों मार रहे हो, अभी किसी भी वक्त में अपनी मौत हो सकती है। लेकिन बिना ये सोचे समझे वो खुद को मार नहीं जाता है। लेकिन तभी वो आदमी बेरी को मार के बेहोश कराता है और उसे अपनी गाड़ी में बांध देता है। थोड़ी देर के बाद जब बेरी को होश आता है, तब वो बहुत ही गुस्सा था और वो उस आदमी को मारने जाता है, लेकिन वो आदमी उसे समझाने की कोशिश करता है, और काफी मनाने के बाद बेरी मान जाता है। दोनों की भी दोस्ती हो जाती है। उस आदमी का नाम चौकर था। बेरी चौकर को कहता है कि
मैं अपनी बहन को बचाने के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम मुझे वहाँ पे लेके चलोगे? तो चौकर मान जाता है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद अपने आप इनकी गाड़ी बंद पड़ जाती है। अब ये दोनों भी पैदल निकल जाते हैं। तभी अचानक से उन्हें आसपास के जंगल से बंदूक का आवाज आता है, इसलिए ये दोनों भी उस जंगल के रास्ते निकलते हैं। लेकिन तभी इनके ऊपर कोई गोली चलाता है और बेचारा चौकर उधर ही मारा जाता है। वहाँ पे एक आदमी आता है जिसका नाम बेनी था। वो कहता है कि मुझे लगा ये आदमी ज़ॉम्बी था, इसके लिए मैंने उसे मारा। लेकिन बेरी उसे समझाता है कि यार वो तो जिंदा था। बेनी उससे माफी मांगता है। तभी वहाँ पे कुछ ज़ॉम्बी आ जाते हैं तो दोनों भी उन्हें मारने लगते हैं। तो यहाँ पे दूसरी जगह पे हम देखते हैं ब्रुक की आँख खुल जाती है और उसे इंजेक्शन दिखाते हुए कहता है कि ऐसे 5 बार मैं तुम्हारे शरीर में ज़ॉम्बी का इंजेक्शन डालूंगा जिसके बाद तुम खुद भी एक ज़ॉम्बी बन जाओगी। यहाँ पे दूसरी जगह पे बेरी और बेनी दोनों भी जंगल से आगे गुजर रहे थे, तब जंगल के बीच में एक गैरेज देखते हैं जिसके बाहर काफी सारे ज़ॉम्बीज थे। वहाँ पे एक कार थी, अब दोनों को भी कार लेके भागना था। उसी दरमियान उन्हें उस गैरेज के ऊपर एक आदमी दिखाई देता है। बेनी उससे पूछता है कि हमें गैरेज के अंदर आना है, हमें छुपना है। तो वो आदमी इनकी मदद करता है एंड कहता है ज़ॉम्बीज का ध्यान अपने पास खींचो और दूसरी तरफ से आओ। ये लोग जब ज़ॉम्बीज का ध्यान खींचते तब सारे ज़ॉम्बीज इनके पीछे लगने लगते हैं, लेकिन कैसे तैसे ये लोग बचते हुए गैरेज के अंदर आते हैं। यहाँ पे अंदर वो दो लोगों से मिलते हैं, फ्रैंक और मैकगॉलिन। बैरी उन्हें कहता है कि हम बाहर के ट्रक से यहाँ से बचते हुए निकल सकते हैं। तो फ्रैंक उन्हें कहता है वायरस के कारण कोई भी फ्यूल काम नहीं कर रहा है, इसीलिए गाड़ी भी चल नहीं सकती। अब इसी दरमियान थोड़ी देर के लिए लोग ड्रिंक एंड स्मोक करने लग जाते हैं। तभी अचानक से फ्रिज से कुछ आवाज आने लगती है। तभी फ्रैंक इनको बताता है कि दरअसल उनका एक दोस्त जो अभी अभी ज़ॉम्बी बन गया था उसे इन लोगों ने फ्रीजर में ही कैद करके रखा है। अब ये जानने के बाद वापस ये लोग चील मारने लगते हैं और तभी मैकगॉलिन एक सीक्रेट नीचे फेंकता है जो कि ज़ॉम्बीज के ब्लड पे जा गिरती है और अचानक से बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। इससे ने पता चलता है कि ज़ॉम्बीज का जो खून है वो काफी फ्लेमेबल लिक्विड है और उसकी मदद से वो फ्यूल बना सकते हैं। अब ये लोग अपने ज़ॉम्बी दोस्त को बाहर निकालते हैं, उसका खून निकालने लगते हैं और उसे आसपास की मोटर चलाने की कोशिश करते हैं और देखते देखते मोटर भी चलने लगती है। अब बाहर गाड़ी तो ऑलरेडी मौजूद थी। अब ये चारों भी एक प्रॉपर प्लान बनाते हैं कि कैसे भागा जाए यहाँ से। वे लोग खुद को एक वॉरियर की तरह कवर अप कर देते हैं ताकि कहीं से भी ज़ॉम्बी उन्हें काटे ना। अपने सारे हथियार लेते हैं और बाहर की तरफ निकल पड़ते हैं। कैसे तैसे ज़ॉम्बीज को मारते हुए ये लोग कार के पास जाते हैं और उस कार को गैरेज के अंदर लेके आते हैं। लेकिन अंदर आने के बाद पता चलता है मैकगॉलिन को ज़ॉम्बी ने काट दिया और अभी वो इन्फेक्ट होने वाला है, इसीलिए ये लोग उसे बिठा के उसका ही ब्लड यूज करने का सोच लेते हैं। उसके ब्लड से वो फ्यूल बनाने लगते हैं और अपनी कार को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं और फिर तीनों भी बैठ के कार स्टार्ट करके निकल जाते हैं। तो यहाँ पे दूसरी जगह बार बार एक्सपेरिमेंट्स करने के कारण ब्रुक के शरीर में भी अभी ज़ॉम्बीज का ब्लड आ गया था। इसके कारण समहा उसमें एक पावर आ गई थी, वो ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर सकती थी टेलीपैथी पावर से। तभी उसके सामने वो सोल्जर्स और एक ज़ॉम्बी को लेके आते हैं। ब्रुक उसे कंट्रोल करती है और उन्हीं सोल्जर्स को वो मारने की कोशिश कराती है। इन सोल्जर्स काफी होने के कारण वो ज़ॉम्बी को पकड़ लेते हैं, लेकिन फिर भी ब्रुक उस ज़ॉम्बी के थ्रू एक चाकू अपने हाथ में लेती है। उसके बाद सोल्जर उस ज़ॉम्बी को बांध के चले जाते हैं। यहाँ पे दूसरी जगह ये तीनों भी ब्रुक को लेने के लिए जब जा रहे थे तब अचानक से इनकी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है। जब रास्ते में उनके हाथ दूसरा ज़ॉम्बी आता है तब उसे पकड़ के उसका फ्यूल बना के ये लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते देखते रात हो जाती है और अचानक से इनकी गाड़ी चलना बंद हो जाती है। तब उन्हें दूसरी बात पता चलती है कि ज़ॉम्बीज के खून से जो ये फ्यूल बनाया है शायद वो रात को काम नहीं करता, इसीलिए वे लोग उधर ही जंगल के बीचों बीच रुक जाते हैं। अब इनके हाथ में वक्त बहुत ही था, इसीलिए सब लोग अपने अपने किस्से बताने लगे हैं। फ्रैंक उन्हें बताता है बाइबल के अनुसार जब एंजल अपना तीसरा ट्रम्पेट बजाएगा तो आसमान में कई सारे तारे दिखने लगेंगे जिन्हें वायरन बूट कहते हैं। ये तारे एक बीमारी लाएंगे जिसके कारण पूरे इंसान धरती से धीरे धीरे तबाह होने लगेंगे। उसके ख्याल से आसपास जो बीमारी फैली हुई है ये उसी का नतीजा है। इस बात से कहीं ना कहीं बेनी भी सहमत होता है, क्योंकि एक रात जब वो अपने भाई और कुछ दोस्तों के साथ जंगल में था तभी उसी दिन उसे कई सारे टूटते तारे दिखे थे आसमान में रात में, और उसके दूसरे ही दिन उसके सारे दोस्त और भाई ज़ॉम्बी में बदल गए थे जिन्हें ना चाहते हुए भी उसे मारना पड़ा था। अब ये सब कुछ सुनने के बाद बेरी को गुस्सा आने लगता है कि उसकी मासूम सी बेटी की क्या गलती थी। उसी दरमियान वहाँ पे एक ज़ॉम्बी आता है, वो उसे शूट करता है, लेकिन अचानक से ज़ॉम्बी के हाथ में आग लग जाती है जिसके कारण उनकी गाड़ी को भी आग लगने लगती है। तभी बेरी गाड़ी के बाहर आके आग बुझाने की कोशिश करने लगता है और चारों तरफ से ज़ॉम्बी इनके ऊपर हमला करने लगते हैं। कैसे तैसे वो ज़ॉम्बी से लड़ते हुए आग बुझाता है और गाड़ी के अंदर आता है, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी गाड़ी के ऊपर आता है और फ्रैंक का हाथ पकड़ लेता है और उसको काटता है।
फ्रैंक अंदर आने के बाद उनसे कहता है कि अब मुझे मार डालो, मैं इन्फेक्ट हुआ हूँ। अब ना चाहते हुए भी बेरी उसे मार डालता है। अब देखते ही देखते सुबह हो जाती है और गाड़ी वापस चलने लगती है और अभी ये दोनों भी आगे निकल पड़ते हैं। कुछ समय बीतने के बाद आर्मी का एक ट्रक इनके सामने आता है। आर्मी के लोग इनसे पूछते हो कि तुम जिस शहर की ओर बढ़ रहे हो वहाँ पे कुछ भी बचा नहीं है, सारे लोग ज़ॉम्बी में बदल गए हैं। बेरी कहता है कि वो अपने बहन को बचाने के लिए जा रहा है। तो आर्मी के लोग कहते हैं कि हमने सर्वाइवल लोगों का एक कैंप बनाया है, शायद तुम्हारी बहन वहीं पे होगी, हमारे साथ चलो। बेरी भी उनकी बात मानता है और अपनी गाड़ी उनके ट्रक के पीछे पीछे ले चलता है। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद बेरी को उनके ऊपर शक आने लगता है। तो यहाँ पे दूसरी जगह ग्रुप काफी स्ट्रांग हो गई थी। एक जॉम्बी को वो कंट्रोल करके डॉक्टर के ऊपर हमला करवाती है, लेकिन डॉक्टर तभी अपनी गन निकालता है और उस जॉम्बी को मार देता है। उसे समझ आता है कि ये खेल ब्रूक का है, इसीलिए वो ब्रूक को मारने के लिए आता है। लेकिन तभी ब्रूक एक दूसरे जॉम्बी को कंट्रोल करती है। वो जॉम्बी डॉक्टर के पास आता है और सीधा उसकी दो उंगलियां काट खाता है, और सबसे पहले तो वो अपना हाथ काट लेता है ताकि इन्फेक्शन बाकी शरीर में ना फैले। ब्रूक को मारने के लिए आता है, लेकिन तब तक काफी देर हो गई थी, वो ऑलरेडी ज़ॉम्बी बन गया था। और ब्रूक उसे कंट्रोल करती है, खुद को छुड़वा लेती है। इसके बाद गन लेके ब्रूक सीधा बाहर आती है। उसे रियलाइज होता है कि वो ट्रक में है। पीछे एक गाड़ी आ रही थी जहाँ के लोगों को वो शूट करने ही वाली थी, लेकिन वो गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि उसके भाई की ही थी। और ऑल द टाइम ब्रूक इस ट्रक में थी, किसी कमरे में बंद नहीं थी वो। भाई उसे पुकारते हुए रोकता है और अपने गाड़ी में आने के लिए कहता है। वो इसके कार में आने ही वाली होती है, लेकिन तभी आर्मी के कुछ लोग इनके ऊपर हमला करते हैं। अब कैसे तैसे ब्रूक अपनी गाड़ी को लेके आगे भाग के निकल जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद इनका फ्यूल खत्म हो जाता है। तभी ब्रूक एक ज़ॉम्बी को कंट्रोल करके उनके पास लाती है। ये देख के बेरी काफी हैरान हो जाता है, लेकिन तब तक आर्मी का ट्रक इनके पास आता है और वो फायरिंग करने लगता है, इसीलिए ये तीनों भी वहां से भाग जाते हैं। थोड़े आगे जाने के बाद ब्रूक की हालत काफी खराब होने लगती है, लेकिन तब तक आर्मी के लोग वहां पे आते हैं और इन लोगों को उनके ही गाड़ी से बांध के रखते हैं, ब्रूक को लाते हैं मारने के लिए। ये देख के बेरी काफी डर जाता है और वो बेनी से माचिस मांगता है ताकि ज़ॉम्बी के खून को जला के वो एक ब्लास्ट करे और सोल्जर्स का ध्यान उनके तरफ जाए, लेकिन माचिस उससे दूर गिरती है। अब कोई और चारा नहीं है, इसीलिए कार में जो एक ज़ॉम्बी था उससे बेनी खुद को कटवाता है, जिसके कारण वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है। अब ब्रूक उसे कंट्रोल करती है और गन फायरिंग से सारे सोल्जर्स को मारने लगती है। अब एक ही सोल्जर बचा होता है जो कि बेनी को मार डालता है। तभी ब्रूक अपनी टेलीपैथी से आसपास के सारे ज़ॉम्बीज को वहां पे बुलाती है। ये देख के वो सोल्जर ब्रूक को शूट करता है और वो बेचारी मारी जाती है। ये देख बेरी काफी गुस्सा हो जाता है और सोल्जर के साथ उसकी लड़ाई होती है। इसी बीच में गाड़ी में जो ज़ॉम्बी था उसे वो सोल्जर मारता है, जिसके खून के छींटे उसके चेहरे पे गिरते हैं। अब यही मौका देख के बेरी एक जलती हुई माचिस उसके चेहरे पे डालता है, जिसके कारण वो सोल्जर जलने लगता है। तब हम ब्रूक को देखते हैं, वो अचानक से वापस जिंदा हो जाती है और सारे ज़ॉम्बीज को कंट्रोल करके उस सोल्जर को मार गिराती है। और उसके बाद जो सोल्जर का ट्रक था उसमें अभी भी कुछ सोल्जर्स बचे थे जो इनसे लड़ने के लिए आ रहे थे। तो ब्रूक मिलके सारे ज़ॉम्बीज को इकट्ठा करके इन सोल्जर्स को मार गिराती है, क्योंकि वो लोगों पे बेवजह एक्सपेरिमेंट करे जा रहे थे। सो दोस्तों, ये थी मूवी की कहानी। आई होप आपको ये मूवी अच्छी लगी हो। अब बात आती है कि अचानक से ब्रूक ही क्यों बचती है। ए निगेटिव ब्लड ग्रुप जिनका रहता है उन पे ये वायरस इन्फेक्ट नहीं करता, जबकि ब्रूक खुद एक ज़ॉम्बी बन गई थी। वो अपने पूरे सेंसेस में थी कि उसका भाई कौन है, किसको मारना है, किसको नहीं मारना। और तो और उस एक्सपेरिमेंट के कारण उसमें टेलीपैथिक पावर भी आई थी, जिसके कारण वो ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर सकती है। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।